हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट रेलकम रोड एंड अप्रोच भैडेट पर एक नई अपडेट के साथ, जो कि हमारा सॉइल एम्बैकमेंट जो था हमारा ताड़ी घाट का चैन 6600 से लेकर 7950 तक का, उस पर एक अपडेट है। ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारा फाइनल फॉर्मेशन है सॉइल बेड का, वो प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रैक दोनों के लिए कंप्लीट कर दिया गया है। ये अभी हम खड़े हैं हमारा 6600 से लेकर 7020 तक के अप्रोच पर, और यहाँ आप देख सकते हैं सामने जो दोनों फॉर्मेशन बेड है हमारा प्रपोज एंड फ्यूचर ट्रैक का, उसकी जो सॉइल एम्बैकमेंट की टॉप लेयर थी वो अचीव हो चुकी है। इसके बाद की जो फर्दर एक्टिविटी है हमारा जियो टेक्सटाइल लेइंग और ब्लैंकेट डंपिंग का वर्क, वो हमारा 6600 से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा ब्लैंकेट डंपिंग का वर्क चल रहा है 6600 पे। ये देख सकते हैं सामने हमारा जियो टेक्सटाइल लेइंग का वर्क चल रहा है, और साथ ही हमारी जो ये हाईवा देख रहे हैं डंपर की लेकर, ये डंपिंग मटेरियल जो ब्लैंकेट है हमारा यहाँ पर डंप कर रही है डायरेक्टली। और इसके बाद हमको एक ग्रेडर से स्प्रेड करके 200 mm की लेयर, जो हमारी पहली लेयर है 200 mm की लेयर को प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसको साथ साथ कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जियो टेक्सटाइल लेइंग चालू हो गई है और ब्लैंकेट डंपिंग भी वर्क चल रहा है। इसके बाद हम इस पर ब्लास्ट लेइंग और उसके बाद स्लीपर लेइंग, उसके बाद रेल टेक लिंकिंग का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर डंपिंग का वर्क चल रहा है, और ये जो बताते हैं आपको, ये जो ब्लैंकेट है हमारा टोटल 550 mm की लेयर है। तो पहला जो लेयर है हमारा 200 mm का होगा, उसके बाद स्प्रेडिंग करके कॉम्पैक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद उसका टेस्ट होगा, फिर सेकंड लेयर जो है हमारी 200 mm की पड़ेगी, उसके बाद फिर उसके टेस्टिंग के बाद फिर हमारा जो बैलेंस फाइनल लेयर होगा 150 mm का होगा, उसके बाद इसका ब्लैंकेट वर्क कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पर्ली जैसे ही ब्लैंकेट डंप होता जा रहा है, और जियो टेक्सटाइल जो है साथ साथ लेइंग भी की जा रही है। ये हमारे GPT के सुपरवाइज़र कमलेश यादव जी, जो जियो टेक्सटाइल और ब्लैंकेट डंपिंग वर्क में एक्सपर्ट माने जाते हैं, वही इस काम को देख रहे हैं। और ये जो देख सकते हैं आप, हमारा जो विड्थ है, ये जो हमारी जो डबल लेयर आती है ब्लैंकेट की जियो टेक्सटाइल की, ये 500 mm का ओवरलैप किया जाता है एक दूसरे के ऊपर। ये देख सकते हैं सामने, और ये है दिनेश यादव जी, जो हमारे ब्लैंकेट डंपिंग के इंचार्ज हैं, गाड़ियों को लाना और उनका वेट कराना, उसके बाद पर्ची काटना, ये सब काम इनके अंडर में है। नेल लगाओ, उसमें नेल लगाओ। देख सकते हैं जो 500 की जो लैप दी जाती है उसके मेजरमेंट किया जा रहा है यहाँ पे, कि 500 mm है कि नहीं लैपिंग एक दूसरे से। उसके बाद कील के थ्रू इसको वो किया जाएगा पैक, और ये हमारी तीसरी लेयर है। जो जियो टेक्सटाइल का एक रोल आता है वो हमारा 5 मीटर का एक रोल है, और हमारा ये टोटल बेड है 16 मीटर का है, तो 3 रोल हमारे फुल आएंगे 500 ओवरलैप के साथ, और चौथा जो रोल है वो 1.5 मीटर का आएगा, जो 1 मीटर हमारा देख सकते ये बाहर निकला है, बाद में इसको कट कर लिया जाएगा। 500 mm स्ट्राइप प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, कि सॉइल प्रोटेक्शन को रोकता है। मैं आपको बता देना चाहूँगा ये जो जियो टेक्सटाइल लेइंग है इसको क्यों दिया जाता है हमारा ये सेपरेट मेंबर के रूप में, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जियो टेक्सटाइल लेइंग है इसके ऊपर जब हम ब्लैंकेट स्प्रेड कर देंगे, तो कभी भी रेनफॉल होता है बारिश में, तो ये जो हमारा रेनफॉल है ये ब्लैंकेट और ब्लास्ट के ऊपर से सीधा साइड के हमारा जो मिट्टी की स्लोप है वहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस जो हमारा ये जो सॉइल का बेड है ये वाला, इस बेड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये वाटर प्रूफिंग का काम करता है, ये जो हमारा लीकेज का इसको प्रोटेक्ट करता है मिट्टी के बेड को। ये देख सकते हैं ग्रेडर सामने इसकी जो ब्लैंकेट डंप हुआ उसकी स्प्रेडिंग कर रहा है, पहली लेयर को बहुत ही धीरे धीरे स्प्रेड किया जाता है, जिससे हमारे जो ब्लैंकेट का सेपरेशन है वो ख़राब ना हो, जो जियो टेक्सटाइल बिछाया गया है। ये देख सकते हैं लेबर इसको कील के थ्रू फिक्स कर रही है। देख सकते हैं
सामने हमारा जो बेड है ये पूरा फुल्ली कंप्लीट कर दिया गया है और 1:30 का स्लोप दिया गया है दोनों साइड में। हमारा कैम्बर है, वो कैम्बर कल चेक करा के कॉम्प्रेशन टेस्ट कराने के बाद क्लाइंट से हमें इसका अप्रूवल मिला है इस पर ब्लैंकेट डंपिंग करने का। ये हमारा 6600 से लेके 7950, इसके बीच में हमारे तीन ब्रिजेज हैं, पहला 7000, दूसरा 7200 और तीसरा 7500। उनके जो एज में ब्लैंकेट डंपिंग का वर्क है वो भी पैरेलली चल रहा है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका अपडेट देंगे। और दिसंबर 2022 में जैसा आप सभी लोग को पता है कि हमारे जो प्रपोज ट्रैक है सिंगल लाइन, उसको ट्रैक को चालू करना है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये काम तेज़ी से किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार बारिश नहीं हुई है अभी तक, तो इसका बेनिफिट मिला है कुछ प्रोजेक्ट में, तो इस समय भी हमारा ये मिट्टी डंपिंग और ये ब्लैंकेटिंग का वर्क चल रहा है, जिससे कि हम अपने टारगेट डेट को अचीव कर लेंगे दिसंबर 2022 तक सिंगल ट्रैक को चालू करने का। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू इसका इनॉग्रेशन होगा दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने हमारे माइनर ब्रिज हैं उनके जो अप्रोचेस हैं वहाँ तक कहाँ पे काम हो गया है, जो मेगा ब्लॉक था वो तो आप सभी ने देखा होगा, मेगा ब्लॉक में सारा काम कम्प्लीट कर दिया गया था, उसके बाद के जो वर्क हैं वो कहाँ तक हो चुके हैं और ताड़ी घाट में जो हमारा बैलेंस था वो अप्रोच ट्रैक के लिए कहाँ तक कम्प्लीट हो गया है उसकी अपडेट देंगे आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।